हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर वर्षों में ये टॉपिक पूछ लिया जाता है, जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये देख भी सकते हैं कि ये किस किस वर्ष में पूछे गए हैं, देख रहे हैं ना, लगभग 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, मतलब लगातार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रत्येक कोई ना कोई एक सेट में पूछ लिया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको आज के इस वीडियो में हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, याद कराऊंगा, ठीक है ना। ये मेरी जो मतलब कोई भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं, मेरा लक्ष्य हमेशा से यही रहा है कि आपको रटना ना पड़े, आप उसको समझ कर याद करें। और इसी लक्ष्य के साथ मैं आपको पढ़ाने का या सिखाने का प्रयास करता हूँ। अदरवाइज ध्यान से समझिएगा, यह आपका चैप्टर नेम है किरण प्रकाश के एवं प्रकाशिक यंत्र, और इसका ये लेक्चर 1 है और ये चैप्टर 9 है। चैप्टर 8 तक हमने कम्प्लीटली आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और केमिस्ट्री का भी आपको चैप्टर 8 तक कम्प्लीटली पढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। उसमें आपके 2 चैप्टर बचे हुए हैं, और इसमें आपको लगभग 5 चैप्टर और बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना, वो हम जल्दी करा देंगे, ठीक है ना, निश्चिंत रहना है। देखिए अगला हमारा, देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा है, थोड़ा सा परिभाषा बड़ा है, बट मैं कह रहा हूँ ना, रटना नहीं पड़ेगा, याद कराएंगे जी। देखिए क्या कह रहा है, पहले समझ लेते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से वायरल नहीं सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, विरल, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। तो प्रकाश की इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये हुआ इसका परिभाषा जी। बट याद नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद कराएंगे। अब देखिए कैसे आपको याद कराना है, कैसे आपको याद होगा, समझिए जी। तो हम एक फिगर बना रहे हैं, अब इसी से याद कराएंगे हम। तो चलिए मैं फिगर बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहली बात, ये एक सतह है जी, ठीक है ना। ये क्या है, एक सतह है। अब इस सतह में हमने क्या ले लिया है, इस सतह में हम सबसे पहले यहाँ पे एक प्रकाश किरणें ले रहे हैं। देखिए ये एक सतह है, और सतह के ऊपर क्या है, सतह के ऊपर है विरल माध्यम, और नीचे है सघन माध्यम, ठीक है। अब विरल और सघन मतलब समझ रहे हैं, विरल मतलब होता है जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, सॉरी जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है सघन माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम का मतलब जैसे हम वायु लिख दे रहे हैं, इसमें अधिक होता है प्रकाश की चाल, और सघन मतलब जैसे जल हो गया तो इसमें कम होता है प्रकाश की चाल। और तुलना करके ही हम बता सकते हैं कौन सघन है और कौन विरल है। बट अभी केवल इतना समझिए, विरल माध्यम एक सघन माध्यम, ठीक है ना। अब समझिएगा, जब भी प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, जैसे ये मान लेते हैं प्रकाश किरणें इस प्रकार गई, जी, ठीक है ना। और जैसे ही इस सतह से जाकर टकराती हैं, तो जैसे ही इस सतह से टकराएंगे ना, तो यहाँ पे एक हम अभिलंब खींच लेंगे जी, यहाँ पे एक अभिलंब इस प्रकार खींच लिया जाता है। अब समझिएगा, जैसे ही प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, तो याद रखेंगे जो अभिलंब है इससे क्या होती हैं, इससे दूर हटते चली जाती हैं, इस प्रकार दूर हटके चली जाती हैं, ठीक है। जबकि इसको जाना तो ऐसे सीधे चाहिए था, बट अभिलंब से दूर हटती हैं। तो इतनी बात समझ के, इस वाले को हम आपतित किरण कहते हैं, इस वाले को हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं, और ये बीच में क्या है, अभिलंब है। तो अभी तक हमने केवल आपको ये बात बताया कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो अभिलंब से दूर हटती हैं। अब इतनी बेसिक बात है, जब प्रकाश का अपवर्तन आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो कोण बनता है इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं,
और यहाँ पे जो कोण बनता है इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आपको ये बात पता है कि जो कोण आई होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं और जो कोण आर होता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है ना जी, इतनी बात आप समझ गए। तो देखिए यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। अब समझिएगा, यहाँ पे एक और बात आता है कि जब प्रकाश यहाँ पे जो ये आपतन कोण है तो आपतन कोण के मान को हम इतना बढ़ाते, ध्यान से समझेंगे, आपतन कोण के मान को हम इतना बढ़ा दें जितने में आपतन कोण के मान को मान लेते हैं हम इतना बढ़ा रहे हैं, तो आपतन कोण के मान को हम इतना बढ़ा दें कि ये जो अपवर्तन कोण का जो मान है, जो ये अपवर्तन कोण का मान है वो 90 डिग्री हो जाए इस प्रकार जी। मतलब जो प्रकाश किरणें एस इतने कोण पे हम प्रकाश किरणों को आपतित कराएं कि यहाँ पे जो अपवर्तन कोण का जो मान है वो 90 डिग्री हो जाए, जो आर का मान है वो 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि अभिलंब देख रहे हैं इस सतह पे तो 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो वही बात कहा जा रहा है कि जो आपतन कोण है, आई आपतन कोण है ना, आर क्या है, अपवर्तन कोण है, तो हम ये कह रहे हैं कि आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उस समय पर ये जो बना कोण है, ये जो बन रहा है यहाँ पे कोण, इस कोण को ही इसे हम IC से प्रदर्शित करते हैं और जो IC है ना इसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। जब तक आप क्रांतिक कोण नहीं समझेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं समझ सकते, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना जरूरत था। तो देखिए एक बार और मैं बोल रहा हूँ, समझिएगा, हम कह रहे हैं जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उस विशेष कोण को ही हम क्रांति कोण कहते हैं। तो क्रांति कोण आपने समझ लिया। अब उसके बाद कह रहा है कि जब हम आपतन कोण ये जो आई है इसके मान को हम और क्रांति कोण के भी मान से अधिक कर देते हैं, मतलब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से भी अधिक हो तो उस समय पर प्रकाश किरणें, उस समय पर जो प्रकाश किरणें हैं वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं जिस माध्यम से आई हुई होती हैं। जैसे देखिए ये कोण ऐसे हम जब प्रकाश किरणें भेजे थे पहली बार तो ये अभिलंब से दूर हटा था, थोड़ा सा इसको और बढ़ा दिए तो ये 90 डिग्री हो गया, थोड़ा सा और हमने बढ़ा दिया तो ये प्रकाश किरणें फिर से इधर आ जाएगा ना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब आपतन कोण के मान को, ये जो आई है वो आपतन कोण है, आई सी क्या है, क्रांति कोण है, तो आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं, तो इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना, सघन से गई थी माध्यम से और सघन माध्यम में ही वापस लौट आ रही है तो इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो देखिए एक बार और मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे, थोड़ी सी मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है बट मैं नहीं चाहता था कि आपकी क्लासेस रुकें इसीलिए मैं आज फिर भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से समझेंगे, हम एक बार और बोल दे रहे हैं। देखिए आप कहेंगे कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर, आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं, तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए वही बात लिखा है, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, इतनी बात समझ लीजिए, जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है तब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं, ठीक है ना। मतलब जब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं, तो प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश की ये जो घटना है इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।
बताइए अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर ज़्यादा ही कुछ फोकस करके आपको समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि मेरा लक्ष्य ये है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करें, और इसी लक्ष्य के साथ मैं आप सभी को सिखाने का प्रयास करता हूँ। अदरवाइज़ आप सभी को यदि इस तरीके से पढ़ाना या पढ़ाई करना अच्छा लगा हो तब जाकर आप वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टा का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे जो भी आवश्यक सूचनाएं होंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे, इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ होंगे, वो सभी वहाँ पे फ्री में आपको प्रोवाइड जितना हो सकता है उतना करूँगा मैं, ठीक है ना। अदरवाइज अभी अदर फिजिक्स की केमिस्ट्री का सभी सब्जेक्ट का लिंक है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके अपनी स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।